श्री राधे राधे। आज जिन संत की चरितावली आप सुनने जा रहे हैं, उनका नाम ही उनके गुणों को मानो संकेत कर रहा है। श्री कुंज दास जी महाराज, निकुंज की लीला, कुंज बिहारी भगवान, ये सब शब्द आप लोगों के लिए बहुत परिचित हो चुके हैं। कुंज अर्थात तो वो पवित्र श्री वृंदावन धाम के दिव्य पादपों का झुरमुट, जिनके सुगंधित छाया में कन्हैया गोपियों के साथ आकर के बैठते हैं और सरस प्रेम की वार्ता होती है, अद्भुत भक्ति रस का वातावरण वहां प्रकट हो जाता है। श्याम सुंदर की सेवा के लिए सहज ही मन में भाव उद्दीपन हो जाता है। ऐसी कुंज भगवान के अवतार काल में थी, आज हैं तो प्रत्यक्ष प्रकट बहुत कम है। इसलिए एक परिपाटी चल पड़ी कि लोग अपने साधना कुटियों का नाम कुंज रखने लग गए। बहुत से भक्त लोग अपने निवास का नाम कुंज रखने लगे और भाव ये रहता है कि जैसे कुंज बिहारी भगवान कुंज के अंदर रहते हैं, ऐसे हमारी साधना स्थली के अंदर ठाकुर जी निवास करें और हम उनकी सेवा में संलग्न हों। ऐसे थे बाबा कुंजदास जी महाराज। ये जन्म तो लिए थे बंगाल में, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा थी कि बचपन में ही श्री वृंदावन धाम में जा करके भजन करने की इनकी चटपटी प्रकट हो गई। यज्ञोपवीत हुआ जब विद्या अध्ययन करने के लिए चैतन्य चरितामृत का पाठ करना प्रारंभ किया, तो महाराज जैसे चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो गई इनके ऊपर। और ये थोड़े ही दिन बाद वैराग्य वेश प्राप्त हो गया इनको। एक श्री राधा चरण दास जी महाराज थे, उनके द्वारा ये चारों धाम की यात्रा के ले गए और यात्रा से लौट करके आने के बाद इनके मन में भाव उत्पन्न हुआ कि एक वृक्ष के नीचे भजन करें। और भजन करते करते इनको तंद्रा हल्की सी आई। उसी समय श्रीनिवासाचार्य नाम के महान पुरुष प्रकट होकर के बोले, वृंदावन जाकर भजन करो, इस वृक्ष के नीचे भजन करने के लिए तुम नहीं पैदा हुए हो, तुमको श्री वृंदावन धाम के दिव्य वातावरण में भजन करना है। बस वो वृंदावन के लिए चल पड़े और श्री वृंदावन धाम पहुंच करके यमुना में स्नान किया। केशी घाट पर बैठ करके चिंता करने लगे, क्या करें, कहां जाएं। उसी समय निकट की एक गुफा से एक वृद्ध महात्मा निकले और उनको निकट बुला करके बोले, चिंता क्यों करते हो, उस कुटिया में जाकर भजन करो ना, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। उन्हें लगा कि जैसे हमारे ठाकुर जी ने ही इनको भेज दिया मेरे कल्याण के लिए, और जिस निर्दिष्ट कुटिया को उन्होंने दर्शन किया, बस उसी में जाकर के उन्होंने भजन प्रारंभ कर दिया। कुछ दिन भजन लगातार करते गए, इसके बाद फिर वही निवासाचार्य प्रभु प्रसन्न हुए और प्रकट हुए और उन्होंने कहा, तुम संत सेवा किया करो, इसी से तुम्हें अभीष्ट की प्राप्ति हो जाएगी। संत सेवा से ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। वे संत सेवा करने लगे और संत सेवा के साथ साथ उनको पंडित रामकृष्ण दास बाबा, जिनको पंडित बाबा कहते थे, और मनोहर दास बाबा, विष्णु दास, ऐसे से अच्छे अच्छे संतों का संग प्राप्त हुआ और उनके संग के प्रभाव से भजन में आवेश इतना बढ़ता गया कि संत सेवा कुछ छूट सी गई और भजन में ही निरंतर आवेश होता रहता था। तब फिर उनको गदाधर पंडित के दर्शन हुए, जो महान संत थे, और उन्होंने कहा कि नहीं, तुम संत सेवा मत छोड़ो, इन महान पुरुषों का संग तो करो किंतु संत सेवा मत छोड़ो, श्री वृंदावन धाम में संत सेवा
भगवान की प्रसन्नता का कारण बनती है। फिर उन्होंने संत सेवा प्रारंभ कर दी और संत सेवा करते करते ही उनको कृष्ण प्रेम का अद्भुत स्वरूप कन्हैया की कृपा से प्राप्त हुआ। वो अद्भुत स्वरूप ये था कि अष्ट सात्विक भाव उनके अंदर पैदा होने लगे, जो आपको पहले बताया जा चुका है, स्तंभ स्वेदोथ रोमांच स्वर भेतोथ वेपथु वैवर्णम अश्रु प्रलय इत्यष्ट सात्विका स्मृता। अर्थात भाव इतना जोरों से उत्पन्न होता था कि बिल्कुल उनका शरीर जड़ हो जाता था और रोंगटे खड़े हो जाते थे, नाचने लगते थे पागल जैसे कोई हो, ऐसे बड़ी जोरों से प्रलाप सा करते थे, स्वर भेद अर्थात वाणी गदगद हो जाती थी, एकदम शरीर पीला पड़ जाता, आंसू जोर से पिचकारी की तरह से निकलती थी और कभी कभी तो मूर्छित हो जाते थे। इस तरह से कुंजदास बाबा के अंदर भगवान ने अपने प्रेम का प्राकट्य कर दिया। ऐसा प्रेम कन्हैया ने प्रकट किया कुंजदास बाबा के अंदर कि संत सेवा तो करते रहे किंतु प्रेम का प्रवाह उनके आंखों से, उनके मुख से, उनके रोम रोम से ऐसा चालू हुआ कि संत सेवा के साथ साथ भगवान ने प्रेम के एकदम समुद्र में जैसे उनको डुबो दिया। अब संत सेवा तो और भक्तों ने संभाल ली, उनकी संत सेवा भी चलती रही और वो पाठ कीर्तन भजन ध्यान में डूबे रहते थे। थोड़ा सा समय संत सेवा के लिए देते थे और भक्त लोग संत सेवा से भी संभालते थे, बीच बीच में वो भी संत सेवा में लग जाते थे। फिर पाठ थोड़ा करते, कीर्तन ज्यादा करते, कीर्तन में ही ध्यान लग जाता था उनका और ध्यान के साथ साथ कीर्तन होता था, फिर संत सेवा में लग जाते थे और संत सेवा भी करते जा रहे हैं, आंखों से आंसू भी गिरती जा रही, शरीर एकदम कंपायमान हो जाता था, सारा शरीर पुलकित हो जाता था। बीच बीच में महाराज कुंजदास ऐसी हुंकार भरते थे जिससे सभी दिशाएं गूंज उठती थी। साधु लोग समझ जाते थे कि इनके ऊपर कोई भगवान का भावावेश हो गया है, मूर्छा भी कभी कभी आ जाती। ऐसे कीर्तन में नृत्य करते, उछल उछल करके कि वो कीर्तन करते करते ही मूर्छित होने लगते, फिर तो लोग उनको अपने कंधों पर उनको लेकर के चलते थे, उनको घेर करके नृत्य कीर्तन होता था। ऐसी अवस्था में दो तीन प्रहर तक आनंद सागर में डूबे रहते थे, वो लगातार बेसुध अवस्था में शरीर उछलता रहता था उनका। लोग कीर्तन करते रहते थे, बाबा कुंजदास का शरीर बेसुध अवस्था में उछलता रहता था, उनको बाह्य जगत का ध्यान ही नहीं रहता था और अपने शरीर की भी सुध बुध नहीं रहती थी, उनके वस्त्रों को भी दूसरे ही लोग संभालते थे, नहीं तो उनको अपने वस्त्रों की भी याद नहीं रहती थी। ऐसी कृपा संत सेवा से ठाकुर जी ने उनके ऊपर कर दी कि संत सेवा के माध्यम से भगवान ने उनके अंदर एकदम प्रेम भर दिया। महाराज बीच बीच में सिद्ध पुरुष उनको आकर के दर्शन देते थे और दर्शन दे करके आशीर्वाद देते थे। बहुत से साधक लोग उनका चरण रज लेते थे लेकिन उनको पता नहीं चले ऐसे ढंग से चरण रज लोग लेते थे। बहुत अद्भुत रहनी सहनी हो गई, उनकी लीला और चिंतन की रीत निराली हो गई, बहुत विलक्षण उनके शरीर से शक्ति प्रकट होती थी। जो लीला चिंतन के तरीके और संतों के होते हैं वैसा उनका लीला चिंतन नहीं था। वे पहले चैतन्य महाप्रभु का चिंतन करते थे और चैतन्य महाप्रभु का ध्यान करके और चैतन्य महाप्रभु का ध्यान करते करते फिर बांसुरी उठाते और बांसुरी बजाते और बांसुरी की धुन भी उनकी ऐसी थी
ये प्रेम भरी हुई धुन थी। और फिर उसके बाद उनको लगता था कि कन्हैया आ गए, फिर कृष्ण की लीला, पहले महाप्रभु जी का चैतन्य लीला का चिंतन करते, फिर बांसुरी बजा करके फिर कृष्ण की लीला का चिंतन करते, और इसके बाद उन्हें ऐसा लगता था कि राधा रानी आ गई हैं, और भाव देह से वे यमुना पुलिन में भगवान कृष्ण से जा करके मिल जाते थे। बड़ी विलक्षण प्रेम की लीला ठाकुर जी उनके साथ करते थे। कुंजदास बाबा फिर अपने को मंजरी के रूप में ध्यान करके कृष्ण लीला में आपको अपने को मिला देते थे, अर्थात तो जो मैं बता चुका हूँ आप भक्त लोगों को कि जो अष्ट सखियाँ राधा रानी की, उनकी जो सेविका स्वरूप सखियाँ हैं गोपियाँ, उनको मंजरी कहते हैं, आप भक्त लोग जानते ही हैं। तो उन मंजरी के रूप में अपने को कुंजदास बाबा प्रस्तुत करते थे ध्यान की लीला में, और फिर मंजरी के रूप में सेवा करते हुए यमुना जी की सेवा, जल सेवा, स्नान आदि की सेवा, फिर रास केल और जल केल का दर्शन करते थे, रास लीला का दर्शन, इसके बाद जल केल का अर्थात यमुना जी का जल उछालना, सखियों को कन्हैया नहला रहे हैं, सखियां कन्हैया को नहला रही हैं, और मंजरियां जो सखियों की इंगित के अनुसार, निर्देश के अनुसार इस सेवा में सहयोग कर रही हैं, पुष्प सेवा भी होती थी, और कभी कभी तो यमुना जी का स्नान करते समय उन्हें भगवान कृष्ण की गोपियों के साथ साथ जल केल की लीला का उद्दीपन हो जाता था। ऐसा उद्दीपन होता था कि भावाविष्ट अवस्था में घंटों जल में बैठे रहते हैं, और लोग समझते थे बाबा को क्या हो गया, पानी में क्यों हाथ पैर चला रहे हैं, क्यों उछल रहे हैं अकेले। लोग तो यही समझते थे केसी घाट में यमुना जी के अंदर वो बाबा को न जाने क्या हो गया, इतना उछल कूद कर रहे हैं, और जल में दूसरा कोई नहीं, बस बाबा ही उछल रहे हैं जल में। लोगों को तो केवल वही दिखलाई पड़ते थे बाबा ही, लेकिन वास्तविकता यह होती थी कि बाबा जल के लीला में ही गोपाल के साथ, सखियों के साथ, राधा रानी के साथ उस समय पूर्ण रूप से भगवान के भाव में आविष्ट रहते थे, और उस भावाविष्ट अवस्था में और जल के लीला में घंटों घंटों जल में चलते थे, तैरते थे, कूदते थे और हंसते थे जोर से, कभी कभी बीच में उनके आंसू आंखों से गिरने लग जाती थी, और महाराज उसमें उनको पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो गई थी बाबा को। घंटों उनको याद नहीं रहता था, अपने शरीर के बिल्कुल होश नहीं रहता था उनको। एक बार की घटना से सिद्ध हो गया था, घटना ये थी कि वो एक बार उनके पैर में सेप्टिक हो गया, पैर पक गया था बहुत, तो ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ी, तो डॉक्टर ने उनको एनेस्थीसिया देना चाहा, बेहोश करना चाहा, इतना ज्यादा पैर खराब हो चुका था। उस जमाने में क्लोरोफार्म सुंघाया जाता था, तो क्लोरोफार्म सुंघाने की जब बात आई तो बाबा ने कहा ये सब की जरूरत नहीं है, बस हम थोड़ा सा हमको टाइम दो, जब मैं प्रभु के ध्यान में डूब जाऊं तब तुम अपना काम कर लेना। और बाबा कुंजदास जी ने भगवान की लीला में अपने को भावाविष्ट कर लिया, और ऐसे डूब गए भगवान की भाव लीला में कि और डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया उस समय, और ऑपरेशन के पूर्व उन्होंने अपने वृत्ति अंतर्मुखी कर ली थी, लीला चिंतन में डूब गए थे, और डॉक्टर ऑपरेशन करना चालू कर दिया था, डॉक्टर ऑपरेशन पूरा कर भी लिया, तो वो ऐसे रहे जैसे बेहोश हो, उनको शरीर का बिल्कुल ध्यान नहीं था, बेहोश की तरह से थे वो। और उसने ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने उनको खूब झकझोरा, खूब हिलाया, और फिर कहा बाबा ऑपरेशन हो गया, बाबा ऑपरेशन हो गया। तब उनको थोड़ा सा बाहर का ज्ञान हुआ, जब बहुत हिलाया रुलाया तो बाहर का कुछ जब ज्ञान हुआ तो उनको थोड़ा सा वेदना का अनुभव भी हुआ, थोड़ा सा उनको हल्की सी पीड़ा सी वेदना का अनुभव जब हुआ, तब उन्होंने एक बार सी की, सी ऐसे मुंह से आवाज सी निकली,
और उनको समझ में आया कि ऑपरेशन का दर्द है शायद ये। जब उनको ये समझ में आया कि शायद ऑपरेशन का दर्द है, तो फिर से लीला में डूब गए दोबारा। और फिर लीला में ऐसे डूबे कि फिर घंटों डूबे रहे। ऐसे सिद्ध पुरुष थे कुंजदास बाबा जी। और महाराज बाद में जब डॉक्टर लोग सब अपना काम करके जा चुके, काफी देर के बाद वो होश में आए। ऐसे सिद्ध पुरुष थे वो लीला चिंतन में। और बाबा हाथरस में और बहुत से जहां जहां महाप्रभु के मंडल थे कीर्तन के, उन सब में जाकर के भक्ति रस का बड़ा प्रचार करते थे। बाबा के शिष्य भी हुए और शिष्यों के सहयोग से उन्होंने भजन स्थलियों को भी बहुत सुंदर स्वरूप में प्रकट किया। साधुओं को भी साधु सेवा में लगा करके खूब सेवा कार्य किया। ब्रज में जगह जगह पर बाबा ने खूब सेवा कार्य किया। और सन 1942 में बाबा 1942 में भगवान की लीला चिंतन में ही डूबे हुए श्री वृंदावन धाम में अपने शरीर का त्याग किए थे। और श्री वृंदावन धाम के रज में शरीर को त्याग करके नित्य श्री वृंदावन धाम अर्थात कन्हैया के गोलोक को प्राप्त किया। ऐसे थे श्री कुंजदास जी बाबा महाराज, जो संतों के लिए चिरस्मरणीय बन गए। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। जय श्री राधे राधे राधे।